कितनी अजीब बात है ना, जिसको ढूंढना चाहिए वो ढूंढ नहीं रहा। एक बार भी तुम्हारे पास नहीं आना वो। आइलीन, तुम्हारी कंफ्यूजन मुझे समझ नहीं आ रही। तुम सबको छोड़ के आई हो वहां से, अब भी 90s की हीरोइन की तरह तुम बैठ के उसका वेट कर रही हो। तुम्हारी तरह नहीं हो ना, दो मिनट में सब कुछ खत्म कर दूं। तुम्हारी पे के पैसे चेक कैश करवा दिया। I'm sorry यार। सॉरी की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे और नूर के टिकट्स हैं, ये रखो। मैं तो हूं ही बहुत बुरी, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानो। बहुत कड़वी हुई है आजकल। मुझे बस ये पता है कि तुम पागल होती जा रही हो। आइलीन देखो, अरबाज जो है ना वो एक, प्लीज इस बारे में दोबारा बात मत शुरू करना। बट इट्स अ फैक्ट, वो बारिश जिसको तुम अपना लाइफ पार्टनर बना चुकी हो, ही इज लीस्ट बॉदर्ड, और वो अरबाज पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। बस मुझे यहाँ से जाना है यार। हाँ जानती हूँ, जाना है तुम्हें, क्योंकि अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो वो तुम्हें ले जाएंगे और ज़बरदस्ती डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करवा देंगे, जो कि तुम करना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत अच्छी बीवी जो हो ना इसलिए। वैसे आइली सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहोगी? मेबी। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। कौन कौन है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। श्योर। तो क्या प्लान है, भागना है? पागल हो, भाग रही हो ताकि सारी जिंदगी लोग तुम्हें ढूंढते रहे और तुम पागलों की तरह सारी जिंदगी चोरों की तरह भागती रहो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर चोरों की तरह भाग क्यों रही हो? शायद किसी को जरूरत ही नहीं है मेरी। वाह वाह, जनरलाइजेशन तो सुनो, किसी को जरूरत नहीं है। अपने घर चली आती है? नहीं जा सकती घर में। क्यों? क्योंकि बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि अगर अब घर आई तो डिवोर्स पेपर्स तैयार होंगे और वो साइन करने पड़ेंगे। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। डिवोर्स नहीं करनी मगर भागना जरूरी है? जरूरी है। कम ऑन आइलीन, ये 1902 नहीं है और ना ही तुम्हारी ओपारिस की कहानी कोई लैला बजने वाली। प्लीज बी प्रैक्टिकल, उससे तुम्हारी जरूरत नहीं है। Maybe, उसे तुम्हारी ये जरूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें उसे छोड़ना है देन मूव ऑन प्रैक्टिकली। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे कुछ वक्त चाहिए और शायद बारिश को भी चाहिए। अच्छा तुम मेरे घर आ जाओ, कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। ओके, बारिश को भी टाइम मिल जाएगा, उसको बता भी देंगे दैट यू आर सेफ, तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा। और अम्मी अब्बू? उन्हें देख लेंगे, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। टेक योर टाइम।
दो दिन आराम से सोच लो, फिर तुम आ जाना मेरे घर या फिर मेरे फार्म हाउस पर। कहीं नहीं जा रही हो तुम, जब तक तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स रिसॉल्व नहीं होते कहीं नहीं जा रही हो तुम। और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम और नूर अब मेरी जिम्मेदारी हो। सब ठीक हो जाएगा। ए, सब ठीक हो जाएगा। तुम मिल गई हो, अब सब ठीक हो जाएगा।